हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, बाबू को स्कूल भेजने के बाद मैं ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दी और बाबू का टिफिन में आज मैंने ना नाश्ता, हैवी नाश्ता कुछ नहीं बनाई क्योंकि बाबू ने कल बोल दिया था मुझे फ्रूट लेके जाना है, तो टिफिन में वही पैक कर दिया है। और मैं अभी रूही को पूछूंगी वो ब्रेकफास्ट में क्या लेगी, क्योंकि देखिए उसको ना डाइजेस्ट प्रॉब्लम हो रही है यहाँ का पानी से, वेदर से। तो वो बोली आज ना ब्रेकफास्ट में हेवी कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि कल पराठा एक वगैरह हेवी नाश्ता हो गया था, फिर उसके बाद फ्राइड राइस, चिली चिकन वगैरह हो गया था, तो जिस वजह से ना मटन भी हुआ था, तो सारा चीज खा के ना वो डाइजेस्ट नहीं कर पाई। तो इसके थोड़ा सा मतलब वो बोली कि आज ना ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का फुल्का खाएंगे, तो मैं उसको पहले पूछ लेती हूँ। और आप लोग देखिए, मैं कल बता रही थी ना कि वो बिग बॉस देखती है, वही कर रही है अभी, वो बिग बॉस ही देख रही है। क्या लेना है ब्रेकफास्ट में? बटर ब्रेड, चाय। देखिए वो बिग बॉस देख रही है, बिग बॉस जरूरी है डेली देखना। आप लोग भी देख रहे हैं, मैं डेली देख रही हूँ। आप लोग ब्लॉग देखो, बिग बॉस मत देखो, ब्लॉग देखो, सब फेक होता है, सिर्फ ब्लॉग होता है वो रियलिटी होता है। चाय बनाओ रुई, चाय चाय जिंजर डाल के मिल्क थी ना, ठीक है। नहीं नहीं, मैं बना लूंगी, हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट है। तो देखिए अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, तो देखिए मेरा ब्रेकफास्ट अभी कुछ दिनों से उलट पलट हो गया है, क्योंकि देखिए आप लोगों को तो पता है ना मैं ब्रेकफास्ट में पराठा पूरी यही सब बनाती हूँ, लेकिन सिस्टर को वो सब इतना पसंद नहीं है। मतलब सुबह उठ के उसको चाय चाहिए, 3-4 बार वो चाय पीती है, तो उसके चक्कर में मैं अभी पी रही हूँ, क्योंकि देखिए बना रहे हैं तो दोनों के लिए बना रहे हैं, तो मेरा भी पीना हो जा रहा है। तो देखिए हम लोग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं अभी, बटर ब्रेड और मिक्सचर बिस्किट और साथ में तो चाय है ही। तो अभी हम लोग का इस तरीके से ब्रेकफास्ट हो रहा है और बहुत लेट में हो रहा है, अभी 9:30 हो चुका है, क्योंकि वो लेट से उठती है, तब तक मैं घर का कुछ कुछ काम कर लेती हूँ। और क्योंकि देखिए मुझे तो सुबह में उठना पड़ता है, तो बाबू स्कूल चला जाता है, तो उसके बाद मैं घर का जो पेंडिंग काम रहता है, मतलब डेली का जो काम होता है, वही सब काम हो जाता है, फिर उसके बाद जब वो उठती है तो साथ में हम लोग ब्रेकफास्ट करते हैं। और ब्रेकफास्ट करने के बाद देखिए हम लोग तुरंत निकल गए हैं मार्केट की तरफ, तो आज देखिए स्कूटी मैं नहीं, रूही चला रही है, समझ सकते हैं। चला तो बोर हो गई मैं, और बहुत दिन बाद में बैठी हुई हूँ, कोई चला रही है मुझे बिठा के, मज़ा तो आएगा ही ना, और मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है। Oh,
बाद सो गई थी और अभी टाइम हो गया है 3:30। मुझे होना है तैयार क्योंकि देखिए क्लब में जाऊंगी। आज वेडनेसडे है, 12 फरवरी है, तो बर्थडे सेलिब्रेट होगा, मेरा भी होगा। तो मेरा आज 12 फरवरी है, वेडनेसडे है, क्लब है। तो देखिए आज मेरा बर्थडे आज नहीं है, 15 को है मेरा बर्थडे, 15 फरवरी। तो होता क्या है क्लब में, मतलब मंथ में एक बार बर्थडे सेलिब्रेशन होता है, तो जिन जिन लेडीज का उसी मंथ में बर्थडे होता है तो एक ही दिन में मतलब सारे लेडीज का बर्थडे सेलिब्रेशन, मतलब सारे लेडीज का बर्थडे सेलिब्रेशन हो जाता है, और जिन जिन का उसी मंथ में होता है। तो देखिए मेरा सेलिब्रेशन होगा आज, और मैं तैयार नहीं हुई हूँ अभी, कंगी वंगी करूंगी और तैयार हो जाऊंगी। तो मैंने ये कुर्ती पहना है, ये वाला देखिए, तो ये न्यू कुर्ती है, मैंने पहली बार पहन रही हूँ आज। और कैसा लग रहा है कुर्ती आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये मैं W से ली थी और मेरा ये बहुत ही फेवरेट कुर्ती है, जिनको मैं एक बार भी नहीं पहनी हूँ, इसी मतलब बर्थडे में पहनूंगी ऐसा ही करके मैंने रखा था। क्यों देखिए हर एनी टाइम शॉपिंग करना पॉसिबल नहीं होता है, और अभी तो बर्थडे बाबू का मतलब एग्जाम वगैरह चल रहा है तो और भी नहीं पॉसिबल है, तो इसीलिए तो चलिए चलते हैं क्लब में। तो उससे पहले मैं फटाफट से हो जाती हूँ तैयार और आप लोग से फिर मिलती हूँ क्लब में सीधा। ओके जल्दी से शामी वहां जाओ, पिंक पिंक मैच कर रहा है, के साथ मैच हो रही है, लगा बहुत टेस्टी, थैंक यू वेरी मच, टेस्टी खाना भी थे। और जस्ट अभी मैं क्लब से आई हूँ, क्लब से आने के बाद मैं चाय पी रही हूँ। क्लब में तो एक बार चाय पिया है, नाश्ता भी किया है, लेकिन होता है ना घर में आके नाश्ता में खीर चाउमीन टिकटॉक जो रेस्टोरेंट है ना मार्केट में,
वही रेस्टोरेंट से ये लेके आया था चाउमीन, बहुत मस्त था, टेस्टी था बहुत, चाउमीन और खीर और क्या था, चाउमीन खीर और केक, बहुत टेस्टी था चाउमीन। और इतना सारा मेरा प्लेट में डाल दिया गया था, वो खा के मेरा पेट भर गया ऑलरेडी। तो ठंडियों में बार बार चाय पीने का मन करता है, मुझे ना इतना चाय पीने की आदत नहीं है, लेकिन फिर भी अभी रूही है तो दो तीन बार वो बना रही है तो पी ले रही हूँ। और ठंडी के टाइम देखिएगा चाय पीने का मन भी करता है, मूड थोड़ा सा फ्रेश हो जाता है। ये रूही चाय के साथ क्या लिया है देखिए, ये चाय लिए, चाय बिटानिया रस्क है और मुरमुरा मुड़ी को हिंदी में मुरमुरा बोला जाता है। हेलो, तो उस टाइम ना हम लोग मार्केट से आए, मार्केट से पता है आप लोग को बहुत सारा फ्रूटी लेस वगैरह इसलिए लिए क्योंकि देखिए हम लोग, मेरा एक और चैनल है जिसके लिए मैं क्या हम लोग चैलेंज करने वाले हैं, फूड चैलेंज करने वाले हैं हम लोग, मतलब फ्रूटी और इसका लेस का, तो इसीलिए बहुत सारा फ्रूटी लेस लिए हैं। अभी वो चैलेंज होगा, उसके पहले हम लोग पी रहे हैं चाय। ये मेरा चाय है ना, देखो मैं चाय पी रही हूँ ग्लास में, बहुत तो जस्ट वो अभी सो के उठी है और फेस क्लीन नहीं किया है तो इसलिए बोलेंगे ठीक है मैं नहीं लूंगी। ठीक है, तो अभी जस्ट वो सो के उठी है, सो के उठने के बाद मतलब फ्रेश नहीं हुई है, जस्ट मतलब नहीं, सो के उठने के बाद मुंह धोई है और अपना बैठ गई है तो इसीलिए वो बोल रही है मुझे मत लो। ठीक है, तो घुमाइए तो चुके तो लगभग पल पे वो टेंशन है घुमाने देने ले, डार्क सर्कल टेंशन के लिए होता है ना, टेंशन और नींद ना हो जाए बच्चे वजह से, नहीं नींद तो पूरा हो रहा है उसका अच्छा सा, टेंशन की वजह से। और बिटानिया रस पहले अच्छा टेस्टी था ना, अभी कैसा हो गया ना, अभी उतना टेस्ट नहीं है, अभी उतना टेस्ट नहीं है इसका, सब कुछ में अभी मिलावट मिलावटी है सच्ची में। मुरमुरा अच्छे से बनाई है देखिए, इसमें डाली है प्याज, मिक्सचर और सरसों का तेल और मुरमुरा, झालमुरी टाइप के बन गया है ये, एक दिन हम लोग भेलपुरी बनाएंगे तो एक दिन हम लोग। और अभी बन रहा है डिनर, तो देखिए डिनर में मछली बन रहा है, आलू देके मछली और चावल। तो मैं ना बाबू को पढ़ा रही थी तो रूही बोली कि आप बाबू को पढ़ाओ क्योंकि एग्ज़ाम है कल, तो थोड़ा सा ध्यान देके आराम से बैठ के पढ़ाना चाहिए और तब तक मैं खाना बना लूँगी। तो मैं बोली ठीक है चलो कोई बात नहीं तुम बनाओ खाना, ये भी अच्छा टेस्टी खाना बनाती है। तो मैं बाबू को पढ़ा रही थी तो मैं वीडियो में एक बार आई तो मैं थोड़ा सा वीडियो कर ली, तो बोली नहीं 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 मुझे मतलब ऐसा कर रही थी। और देखिए अभी हम लोग करेंगे डिनर, तो ये आलू देके मछली बनाई है, कुछ इस तरीके से बना है। और वो मुझे रूही बोली कि आप ना थोड़ा सा वीडियो बना लो, तो चलिए अभी हम लोग अभी करेंगे डिनर। मैंने बाबू को पहले ही खिला दिया है क्योंकि बाबू को सुला भी दिया है, देखिए अभी मतलब पता है ना आप लोग को कि जल्दी उठने का चक्कर में उसको मैं सुला ही देती हूँ जल्दी जल्दी। और फिर हम लोग डिनर कर रहे हैं देखिए, और खूब सारा बातें भी होते हैं डिनर के टाइम, हालांकि खाते टाइम बातें करना नहीं चाहिए लेकिन मन मानता नहीं है, बातें ऐसे मतलब होता ही नहीं ख़त्म। तो आज का वीडियो भी मैं पेंट करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को पसंद आएगा, आप लोग को अच्छा लगेगा। अगर पसंद आएगा अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना फ्रेंड्स, और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो फिर मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोग का बहुत डिमांड है कि मैं डेली ब्लॉगिंग दिया करूँ, तो कोशिश तो कर रही हूँ कि मैं डेली ब्लॉगिंग करूं और डेली ब्लॉगिंग आप लोग के पास पहुंचाऊं। तो आप लोग का सपोर्ट का तो ज़रूरत है, तो होप कि आप लोग सपोर्ट करेंगे। तो मिलती हूँ मेरा कोई नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।